राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया वो गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। बात नहीं समझे आप, हिंदू धर्म को पढ़ो थोड़ा, शिव जी को पढ़ो, समझ आ जाएगी बात। ऐसे मत हैरान मत हो, हैरान मत हो, राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। राहुल गांधी बीजेपी के दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। इतना मतलब हैरान क्यों लग रहे हो आप? शुक्रिया शुक्रिया प्रदीप। इमेज का मुझे कुछ लेना देना नहीं है, इमेज में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। जो इमेज आप रखना चाहते हो रख दो, अच्छी रखनी है रख दो, खराब रखनी है रख दो, वो आपका है, मेरा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मुझे अपना काम करना है। राहुल गांधी को राहुल गांधी ने मार दिया, राहुल गांधी अब नहीं है। ये बात खुद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा, वो ये बात न तो प्रश्न पूछने वाले पत्रकार को समझा पाए और शायद खुद भी नहीं समझ पाए कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। करियाना के कुरुक्षेत्र में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। पत्रकार सवाल करते रहे और राहुल उत्तर देते रहे। तभी एक रिपोर्टर ने राहुल से पूछा, ये यात्रा राहुल गांधी की इमेज बदलने में कितनी कामयाब रही है? चर्चा ये भी है कि इस बड़ी उपलब्धि को व्यक्तिगत तौर पर देखते हैं। इसके जवाब में राहुल गांधी बोले, उन्हें इमेज से कुछ लेना देना नहीं है। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी से होते हुए हरियाणा पहुंच गई है, जो कि अपने अंतिम चरण में है और जनवरी में श्रीनगर में समाप्त होगी। यात्रा पंजाब, फिर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी। Quack, quack.